रहे हमारे मोमो। सूटर को देखो, सूटर को। वेलकम टू इंडियन मॉम केयर माय वे। गाइस, ये है उबला हुआ टमाटर और मिर्च। तो मोमोज बनाने से पहले सबसे पहले हम लोगों को उसकी चटनी रेडी करनी होगी। तो चटनी रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले 3 टमेटोस चाहिए और कुछ चिलीज चाहिए। चिल्ली आपके अकॉर्डिंग है, आपको जितना डालना है आप उतना डाल सकते हैं। तो हम लोग इनको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से, जब तक कि ये स्मूद ना हो जाए। सो गाइज, मैंने ब्लेंड कर लिया था टमेटोस को और रेड चिल्ली को। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट है। वैसे आप लोगों को इतना भी स्मूथ करने का ज़रूरत नहीं है, हमें स्मूथ पसंद है इसलिए हमने स्मूथ किया है, क्योंकि दरदरा भी अच्छा लगता है अगर आपको सेजवान सॉस वाली फीलिंग चाहिए। तो अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ कि इसे कैसे चटनी में बदलना है। अभी तो ये पेस्ट है। गाइज, हमारा मोमो का चटनी रेडी हो गया है। तो अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। इसको मोमोज के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन चटनी तो बन गई है, मोमोज तो बने ही नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं, अब हम लोग मोमोज बनाएंगे। सो गाइस, ये हम लोग का डो भी हो गया है, स्टफिंग भी हो गई है, चटनी भी हो गई है। तो अब हम लोग चलते हैं मोमोज बनाने। लेकिन मोमोज बनाने से पहले हम लोग इसको कवर कर देते हैं और 5 मिनट्स के लिए डो को रेस्ट करने छोड़ देते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग मोमोज बनाने। तो गाइज, हमारे डो ने रेस्ट कर लिया है, तो हम लोग इसको अभी 5 मिनट्स और गूंदेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके मोमोज बनाने चलते हैं। सो गाइज, तो ये हमारा डो अच्छे से नीड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूद हो गया है। तो अब हम लोग इसको 2 बड़े बड़े 2 पीसेस में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने डिवाइड कर दिया, एक पीस हम लोग घर रखते हैं और इस दूसरे वाले पीस से हम लोग बड़े बड़े मोमोज बनाएंगे। तो इसे पहले बेल लेते हैं। सारे डो के रैपर्स रेडी हैं, तो अब लोग हम लोग चलते हैं अब मोमोज बनाने। तो अभी मजा आने वाला है, अब हम लोग मोमोज बनाएंगे फिर उन्हें स्टीम करेंगे। तो गाइज, मोमोज का फर्स्ट बैच रेडी है। तो अब हम लोग इसको चलते हैं, अब हम लोग इन्हें स्टीम करेंगे मोमोज स्टीमर में, ठीक है।
ये मोमो स्टीम करने वाली जगह है, तो आप लोग इसको ग्रीस कर लेना जैसे मैंने किया है। और अब मैं इस पे एक एक करके मोमोज रख दूंगी। सो गाइज, ये है हमारा फर्स्ट बैच, एकदम रेडी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, आप लोगों को वाटर बॉईल करना है। सो गाइज, हमारा वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, तो अब हम लोग इसके ऊपर मोमोज रख देते हैं। और अब हम लोग इसको 15 से 25 मिनट्स तक इसी में पकने देंगे। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो हमारे मोमोज़ रेडी हैं। तो अब चलिए हम लोग इनकी प्लेटिंग करते हैं। तो हम लोग अब मिलते हैं एक दूसरे से इसको प्लेटिंग करने के बाद। सो गाइज, ये रहे हमारे मोमोज़, और मुझे लगता है आप लोगों को ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बन के आए हैं। गाइस, मम्मा और पापा अभी सोए हुए हैं, तो इसलिए मैं उनसे अभी टेस्ट टेस्टिंग नहीं करा सकती। तो जब शाम हो जाएगी तब मैं उन दोनों से टेस्ट टेस्टिंग करवाऊंगी। चिकन मोमोज का टेस्टिंग करने का टाइम हो गया, तो अभी मम्मी टेस्ट टेस्टिंग करेंगी, फिर डैड करेंगे टेस्ट। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉगिंग वीडियो कैसा लग रहा है, जो मैं डेली लाइफ रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, अच्छा खासा देखते हो, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक किया करो, वरना देखो ही नहीं। जब आप वीडियो पे आ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो फिर लाइक करने में क्या जाता है। लाइक करने के लिए बस आपको नीचे में यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा थम्सअप टाइप का एक दिख जाएगा लोगो, बस उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब आप लोग वीडियो देखते हो और लाइक करते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं फिर से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊं। लेकिन जब आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो अगर आप लोग लाइक करोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो पे आते हो, मेरे वीडियो मेरे चैनल पे आते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक करके ही जाना, बिना लाइक के नहीं जाना प्लीज़। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि YouTube पे देख के वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है, और उसको फास्ट फूड वगैरह खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी लॉकडाउन में हम लोग बाहर नहीं जा सकते कुछ भी खाने के लिए, तो हम लोग घर पे ही कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ बनाएं। सो गाइस, तो मैंने घर के लिए कुछ कंटेनर्स मंगवाए थे, डिफरेंट कंटेनर्स, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो गाइस, तो इस कंटेनर का खास बात क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये कंटेनर मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था, तो इसमें खास बात क्या है कि ये सीधे यहाँ पे ये जो लीड है इसमें एक ढक्कन जैसा होता है, जो हम इसे आसानी से इस तरीके से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसे हम आसानी से इस तरीके से खिसका देते हैं और सीधे इस तरीके से हम इसे यूज कर लेंगे, और वापस से इस लीड को लगा देंगे। तो ये चीज़ मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा, और ये ट्रांसपेरेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है देखने में। आप लोग देख सकते हो कि कितना क्यूट है देखने में, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और इजी टू यूज़ है, ढक्कन खोलने का ज़रूरत नहीं है हमें बार बार, सीधे इसके ऊपर वाले लीड को पुश करके घसका देना है और उसके बाद यूज करना है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, सो मैंने मंगवा लिया है। तो जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने उसमें डाल दी है। तो आज मैंने कौन सी कुर्ती पहनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है प्लाजो के साथ, और ये कुर्ती
बहुत ही अच्छा है और काफ़ी कंफर्टेबल है और समर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही पतला कॉटन में है ये। मुझे ये कुर्ती जो है बहुत ही अच्छा लगा प्लाजो के साथ। और आपको कैसा लगा ये कुर्ती सेट मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो अभी भी मौसम जो है वही है, तो मौसम मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का, तो अभी भी बारिश वाला ही मौसम है। सो गाइस, तो आज फाइनली 3 दिन हो चुका है बारिश होते हुए, लगातार आज 3रा दिन है बारिश होने का। तो न्यूज़ में मैंने देखा है कि आज रात 12 बजे से बारिश जो है थम जाएगी और नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो 3 दिन से बारिश हो रहा है, अगर लगातार होता तो बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह की संभावनाएँ थी। तो बस इसी तरह कट रहा है आज का दिन, तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ। सो गाइस, तो मेरे पास ये एक पार्सल है और इसमें मैंने बहुत ही काम का चीज़ मंगवाया है, ये आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है डोर वगैरह में जो गैप रह जाता है उस पर चिपकाने के लिए, जैसे विंडो वगैरह हो गया, डोर हो गया, तो उन सब से इंसेक्ट्स वगैरह आ जाती हैं, तो उन्हीं पे ये लगाने के लिए। तो मेरे घर में चूहों का बहुत ही ज़्यादा आतंक रहता है, तो इसीलिए मैंने ये मंगवाया। मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा चूहे आते हैं, एक बार तो चूहों ने मेरे पूरे बैग वगैरह ख़राब कर दिया था काट के, तो ये उसी चीज़ के लिए मैंने मंगवाया है। और डोर में जो गैप होता है उसे ही भरने के लिए मैंने मंगवाया, तो इसे मैं चिपका दूंगी पूरे डोर पे, तो डोर का जो गैप है वो बंद हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा। सो गाइस, तो मैंने इसका एक दूसरा मंगवाया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसे किस तरीके से लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये लगा हुआ है, तो ये दूसरा है, थोड़ा कॉस्टली है ये, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैपिंग था तो इसलिए मैंने इसे चिपका दिया है, ये आप लोग देख सकते हो। तो बस इस वाले को भी, ये जो आप लोग देख रहे हो इसे भी मैं इसी तरीके से चिपकाऊंगी, और ये काफ़ी चौड़ा भी है इसका, देख सकते हो आप लोग, ये फोम टाइप में है बट इसमें ग्लू लगा हुआ है। सो गाइस, तो अब मैं आ चुकी हूँ छत पे, और छत का बाहर का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा सुहाना, आप लोग देख सकते हो यहाँ, तो अभी भी बादल छाए हुए हैं। और मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, पूरा गीला गीला है, और ये आप लोग देख सकते हो मौसम कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुहाना लग रहा है। और आज से बारिश जो है शायद रुक जाएगी, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में हमने देखा है कि 3 दिन बारिश हुआ है लगातार, उसके बाद बारिश थम जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। और आपको मेरे बालों से पता चल रहा होगा कितना अच्छा हवा चल रहा है। और इधर देख लो इसको देखो, इसको ओहो, अंगड़ाई लेते हुए पति देव जी और सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए देख लो पति देव जी को, और मेरे डॉग्स को भी देख लो, इन लोगों को कितना मज़ा आ रहा है। तो बबीता जो है नीचे है, नीचे हमारा एक गैरेज टाइप का रूम है, तो बबीता वहीं पे है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने बताया था कि उसका बेबी हुआ है, इसलिए हम लोगों ने उसे साइड में रखा हुआ है। और ये लोग पूरा घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सूटर कहाँ गया? सूटर, सूटर, सूटर को देखो, सूटर को, सूटर, ये देख लो, देखो अब पता चला कौन गंदा करता है, देख लो चोर लोग को कैसे चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, ये देखो दोनों का तमाशा। अब लग रहा है माही को देखने जा रहा है, सोच रहा है क्या कि सब है तो माही भी होगी, है ना सूटर, माही को खोजने जा रहे हो, बाप ही दोनों को देखो ना, देहे में गोदी में घुस के देखो, देखो कैसे आके पीछे से सूंघता है, पीछे से सूंघेगा सीधे भागेगा। गीता आ जाओ, आ जाओ गीता, आ जाओ, कम कम, राइट, कूद गई, कूद गई, वाह 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 वाह।
गाइस तो खाना बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ खाना सर्व करने। तो आज खाने में बना है रोटी, तो मैं निकालूंगी रोटी। और सब्जी में बना है एग, तो आज हमारे यहाँ बना है एग कड़ी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एग कड़ी। तो चलो अब मैं निकालती हूँ। सो गाइस, तो आज का खाना हमारे यहाँ यही है, रोटी है, एक कड़ी है, प्याज मैंने काट दिया है और राइस बन चुका है माइक्रोवेव में। तो चलिए अब मैं देती हूँ खाना अपने पति देव जी को। सो गाइस, तो पति देव जी को खाना दे चुकी हूँ, तो अब बारी है मेरे खाने की और माही के खाने की। तो हम दोनों निकालते हैं अपना खाना और मैं अपने वीडियो का एंड यही पे करती हूँ। आई होप आप लोगों को हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और जल्दी शेयर जरूर करें। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आप लोग चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। पहले बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।